लिए लेकर आए एक और नई वीडियो। तो साथियों वीडियो को लगातार देखते हैं, स्किप मत करना। मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ये जो पल्ला है आप देख रहे खिड़की, ये खिड़की है दोस्तों, खिड़की का ये पल्ला बना हुआ है। तो इस पल्ले को मैंने किस तरीके से सलाया है, किस तरीके से रंधा मारना है, और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो हम ग्राइंडर मारते हैं दोस्तों, ग्राइंडर क्यों मारते हैं, ग्राइंडर मारने के बाद इसकी कंडीशन इतनी चिकनी हो जाती है, ये इतना फ्रेश हो जाता है कि इस पर आपको दोबारा देखभाल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, और यहाँ पेंट या पॉलिश जो भी कराना बड़ा आसान और बड़े इजी तरीके से हो जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो लगातार देखते रहना, इसके बिल्कुल ना करना। ये खिड़की है मेरे पास, सागवान की है या चाँप की है, दोनों ही खिड़की मेरे पास बनी हुई है। अभी मैं इनमें जो छोटे छोटे बड्डे होते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे सलाने के बाद आपको देख रहा होगा, ये जो थोड़ा थोड़ा निशान रह जाता है या ये निशान रह जाते हैं, इस तरीके के कुछ निशान हैं दोस्तों इस खिड़की पर, तो ये रह जाते हैं दोस्तों, ये सलाने के बाद ये रह जाते हैं। इसमें रंधा भी लगाना होता है, तो पहले मैं आपको रंधा लगा दिखाने वाला हूँ कि रंधा किस तरीके से लगाया जाता है। दोस्तों ये हमारी खिड़की बनी हुई रखी है और ये हमारे फ्रेम बने हुए रखे हैं, तो आपको हम बताएंगे इसको काटना होता है साइड से। और काटना क्यों होता है, क्योंकि जो हम आधा इंची का जो गैप यहाँ पट्टी छोड़ते हैं, इसमें जो है इस तरीके से इसे सला दिया जाता है। अभी आपको मैं इसको सला के बताने वाला हूँ दोस्तों कि ये देखिए निशान, ये कटा हुआ निशान आप देख रहे हैं इस तरफ, और ये दोस्तों नए कारपेंटर भाइयों के लिए बना रहा हूँ ये वीडियो। तो भाई लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है खिड़की सलाने में, तो ऐसा ना हो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसलिए हम इसको सला लेंगे, ये खिड़की का जो इसको खुर्जी बोलते हैं, खुर्जी होती है ये फ्रेम होती है। दोस्तों इनमें फेविकोल लगाने के बाद इसको हम सला देंगे, और सालना मतलब इसमें अंदर फंसा देंगे। उसके बाद इसको हमें भुजना भी है, तो भुजना भी आपको बताएंगे किस तरीके से भुजे जाते हैं। ये फेविकोल लगाना है आपको, ये दर्शन के निशान है, दर्शन बोर्ड के निशान लगा दिए जाते हैं। ये देखिए दर्शन लगे हुए हैं, ये दर्शन रहते हैं दोस्तों, इन दर्शनों की तरफ से इसको मिलाना होता है, तो इसको मिलाएंगे। अगर आपका थोड़ा बहुत अड्डा बड्डा रह जाता है, ये देखिए बड्डा बोलते हैं इनको, थोड़ी जगह रह जाती है, जगह ये रह जाती है, हमें इसको पहले रंधा मारना होता है, रंधा मारने से एक करना होता है। तो ये हम करके आपको बताने वाले हैं, बस लगातार देखते रहिए। गुनिया में बना लेना है, क्योंकि ये गुनिया में नहीं होगा तो दिक्कत होगी आपको, ठीक है। इसको आप जो है गुनिया में करेंगे, देखिए ये गुनिया बोल रही है, बढ़िया। खिड़की को गुनिया में करेंगे तभी आपकी खिड़की चौकोर बन के आएगी। तो हम इसको कस लेते हैं दोस्तों यहाँ से गंजा द्वारा। तो दोस्तों हमें इसको टाइट कर देना अच्छे तरीके से, टाइट हम कर देंगे जिससे कि आपका यहाँ फेविकोल लगा हुआ है या जो भी कमी होगी तो वो दब के बराबर हो जाएगा। अभी आप इसे नाप के देख सकते हैं, जैसे कि आपको ज़रूरत कितने की है, अभी 16 इंची 5 सूत बैठ रहा है दोस्तों, तो हमें ज़रूरत 16 इंची 5 सूत की है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है पहले से ही,
33 इंची बाई 300 ये रहेगा ऊंचाई। तो फ्रेम में जो डला हुआ है फ्रेम 33 इंची बाई 300 ये रहेगा लंबाई और 16 इंची बाई 500 ये रहेगी चौड़ाई। तो आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए 16-5 आपका निशान जो दिख रहा है चौड़ाई रखेंगे। ड्रिल मशीन दिखा दोस्तों, यहाँ ड्रिल मशीन में मैंने गुजने के लिए एक बोल्ट का ये बना रखा है बिट, ठीक है। आप चाहो तो मार्केट से ला सकते हैं, लेकिन मैंने बोल्ट का बना लिया है, ये भी अच्छा काम करेगा। तो मैं गुज देर अभी मैं आपको गुज के बताने वाला हूँ इसमें किस तरीके से गुजा जाता है। दोस्तों ये गुजने का तरीका है कि दोनों को क्रॉस में ही देना है, ना कि इनको सीधा देना है, और ऐसे भी नहीं देना है, ठीक है। आप ऐसे भी नहीं लगा सकते इनको और ऐसे भी नहीं लगा सकते, आपको क्रॉस में ही इनको इस सुराखों को करना होता है, जिससे कि खिड़की के जो लचक है वो बने नहीं और बढ़िया लगे, यहाँ पे बढ़िया तरीके से सेट हो जाए। तो दोस्तों ये बांस के गुज्जे आप देख रहे हैं मेरे हाथों में, ये बांस के बने हुए मार्केट से मिल जाते हैं आपको, ये 20 रुपये की 15 रुपये की थैली मिलती है, इसमें काफ़ी निकलते हैं, कई 70 से 75 ये निकल आते हैं एक में ही। तो बांस के गुज्जे मैं आपको बांस के गुज्जे लगाना बताने वाला हूँ दोस्तों, किस तरीके से आप उसे लगाएंगे। तो इस तरीके से गुज्जा आपका सेट हो जाएगा। अगर आपका गुज्जा पूरा परफेक्ट है तो ठीक है, अगर आपका गुज्जा मोटा रहता है तो आप चौरसी द्वारा छील सकते हैं गुज्जे को, चौरसी से छीलेंगे। तो ये थोड़ा सा कम कर लिया है, विशेष करके ध्यान देना दोस्तों, चौरसी चलाते समय हाथ में ना लगे, सावधानी से चौरसी चलाएं दोस्तों। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था दोस्तों, ये बिट जो है थोड़ा चौड़ा रहना चाहिए, जिससे कि इनको छीलने की जरूरत कभी ना पड़े और लगा ये डायरेक्ट ही इनको लगा दिया जाए। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं 33-4 मैंने ये भी देखिए, आप 33-4 का नाप कर लिया है। तो खिड़की आपकी जिस तरीके से आपने पहले फ्रेम पे नाप दे रखा है सेम उसी तरीके से बननी चाहिए, ये नाप तो दोस्तों पहले ही हो जाती है, देखिए 16-5, ठीक है। तो बारीकी से मैं इसलिए दिखा रहा हूँ दोस्तों कि आपको समझने में भी आसानी होगी, 16-5 आप देख पा रहे हैं। तो इसी तरीके से पहले से ही फ्रेम हम तैयार कर लेते हैं, पहले से ही नाप तोल करके रखते हैं दोस्तों, तो जिससे कि कभी दिक्कत ना आए। गुज्जे लेंगे, ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं पूरी खिड़की मेरी, पूरी खिड़की मैंने गुज्जे के कंप्लीट कर लिए दोस्तों बढ़िया तरीके से। अभी आपके जो पीछे जो निकले हुए ये गुज्जे आप देख रहे हैं, ठीक है, ये गुज्जे आप देख रहे हैं बराबर ये निकले हुए हैं पीछे से, तो इनको दोस्तों आरी द्वारा काट लेंगे हम। तो दोस्तों आपने देखा ये मैंने सल के पूरी तरीके से आपके सामने लेकर आ गया हूँ गुज्जे कंप्लीट। अब मैं रंदा मारने वाला हूँ, इसको सफाई दूंगा। तो दोस्तों आपसे बोलना चाहूंगा, रंदा भी इस प्रकार मारना है कि यहां से मारेंगे सीधा अंदर तक पूरा बराबर, जिससे कि कहीं भी कोई डबक ना रहे, ठीक है दोस्तों।
तो यहाँ पे भी मैं इसी प्रकार मानने वाला देखा। मैंने रंदा मार दिया है और रंदा इतना अच्छा लगा है, बढ़िया लगा है दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे दूर से ही कितनी सफाई के साथ रंदा लगा है। तो रंदा सफाई के साथ लगाने के बाद अब इसमें बचा क्या दोस्तों, ग्राइंडर मारना। तो ये थोड़ी सी जो कमियां रह जाती हैं बहुत नाममात्र के लिए, ये आप देख पा रहे होंगे, मैं बारीकी से दिखाना चाहूँगा। ये देखिए नाममात्र के लिए ये कमियाँ रह जाती हैं, कुछ कमियाँ हैं जैसे ये है, ये कुछ कमियाँ हैं दोस्तों। तो ये रेगमाल में ही आती है दोस्तों, आपको बता रहे हैं हम। तो ये कमियाँ छोटी छोटी रह जाती है, रेगमाल में ही आती है। तो रेगमाल हम इसीलिए लगाते हैं दोस्तों। बाद ग्राइंडर लगाने के बाद दोस्तों ये देखिए कितनी फिनिशिंग आई है इस बल्ले में। तो दोस्तों इसीलिए हम लोग रंदा लगाने के बाद कुछ ग्राइंडर इसीलिए लगाते हैं कि यहाँ पे जो बच्चा कुचा जो डबक या कुछ भी रह जाता है तो वो सब ख़त्म करने के लिए हम लोग ग्राइंडर लगा देते हैं। तो दोस्तों ये पल्ला जो है सलाने से, गुजने से, रंदा लगाने से, ग्राइंडर लगाने तक मैंने इसको बता दिया दोस्तों आपको। इसके बाद खिड़की चढ़ेगी वो अलग रहेगा। तो दोस्तों अगर खिड़की चढ़ती हुई देखनी तो आपको नेक्स्ट वीडियो देख लेना। फिलहाल मैंने जो कंप्लीट पल्ला जो बनाया है ये आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि बना हुआ पल्ला मेरा कैसा लगा आप प्लीज़ हमें बताना। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कमेंट जरूर करना दोस्तों। अगर मेरी बनाई हुई वीडियो आपको अच्छी लगे, मेरा बनाया हुआ पल्ला अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब लिखा हुआ नीचे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।